लॉस ऑफ कैप्चर की कॉजेस क्या हैं? अब अगला सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि आपने कहा कि लॉस ऑफ कैप्चर है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ कैप्चर एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर लॉस ऑफ पेसिंग, लॉस ऑफ कैप्चर के बाद लीड डिस्कॉज होगी, बिल्कुल सही बात है। और ये तो बड़ा कॉमन आप देखते हैं, रोजाना टिकट लगाते हैं फिर उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, ये इस चीज़ की आपको वैसे ही लगती है लीड फ्रैक्चर। ओके और कुछ? इंसुलेशन ब्रेक, सही है। और कुछ? लिक्विड एम्बेसी साइड सो डिस्लॉज लीड एनी एक्सिट ब्लॉक एट दैट साइड जहाँ पे आप पेसिंग कर रहे हैं, इंसुलेशन ब्रेक हो जाए, लीड में परफोरेशन हो जाए, ट्विटर सिंड्रोम, ट्विटर सिंड्रोम में क्योंकि रिट्रैक्शन हो जाती है तो ज़्यादा वो भी लीड डिस्लॉजमेंट एक्चुअली ना, ठीक है। और फिर हाउ विल यू सॉल्व, जो कॉज है उसके मुताबिक आप उसको ठीक करते हैं, ठीक है। जहाँ वोल्टेज का मसला है वोल्टेज बढ़ा दें, परफोरेशन ऑफ लीड, ठीक है, क्लियर सिंपल। जी फाइंडिंग्स नंबर वन के बारे में फिर आप क्या कहेंगे? ओके ठीक है, ये फाइंडिंग्स आपने पिक कर लिए हैं, सो व्हाट इज योर इंप्रेशन? इसी चीज में कौन से फीचर हैं जो आप कह रहे हैं कि ये आरबी पेसिंग को शो कर रहे हैं और फिर आरबी में को शो कर रहे हैं? सर एलबीबी मॉर्फोलॉजी ये शो कर रही है कि ये आरबी से पेस कर रहा है और ऊपर आरबीबी मॉर्फोलॉजी एलबीबी एलबीबी मॉर्फोलॉजी का पेस ये नीचे जो इंक्रीमेंट है v3 v4 v5 में तो राइट बटन है ना v5 v6 के अंदर ओके तो v5 v6 में अगर लेफ्ट बटन होगा तो क्या शेप होती है क्यूआरएस? अपवर्ड होगी। यहाँ पे क्या है? ये बात एरो है वहाँ पे। और कोई? यस 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 यू आर राइट, वन इज नेगेटिव, ये आपकी शो करती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कुछ इनपुट मिल रहा है आपको। डुअल चैम्बर की बेस मेकर डुअल चैम्बर बेस रिदम के अंदर लीड वन के अंदर आपको अपराइट मिलता है, ठीक हो गया। और वी वन में क्या होगा आपको आरबीबी मिलती है एस एफ डॉमिनेंट मिलती है।
दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएटेड, क्योंकि मैं तो उसको बना सकता हूँ कि ये जो एच एम एफ पेस मेकर था और जो आर बी लीड है वो परफेक्ट हो गया एक्चुअली लेफ्ट साइड के ऊपर, इसलिए आपको राइट बटन मिल रहा है। सॉरी दोबारा बोलिएगा। हाँ हो सकता है, अनलेस कि आप उसको खुद से प्रोग्राम करें, आप उससे प्रोग्राम करेंगे मुझे बस कितना पी आर चाहिए, फिर जब आप उसको प्रोग्राम करेंगे फिर वो पेस करेगा, ये उसका अपना नेचुरल पी आर है ना, क्योंकि इसी के सेंस पी आपको मिल रहा है विदाउट बेसिक स्पाइक। सो बट आई वांट यू टू टेक फ्रॉम दिस ईसीजीज के डुअल चैम्बर रिदम को CRT वाले रिदम से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। यस, A1 अपराइट एंड D1 नेगेटिव। एंड नंबर टू कि आप QRS की बिट देखिए कैसे, जो डुअल चैम्बर बेस मेकर होता है वो प्योरली बेस जो होता है ना फुली बेस होता है वो अच्छा खासा वाइड होता है, और यहाँ पर आप देखें क्योंकि मकसद यही होता है CRT डालने का, QRS ऑलरेडी वाइड है उसको नैरो करते हैं किसी तरह, हम जो नॉर्मल बिट है QRS की वहाँ उसकी तरफ हम जाना चाह रहे होते हैं, तो ये भी एक हिंट होता है कि यार अगर ये डुअल चैम्बर है तो ये वाइड क्यों नहीं है। ओके जी, I think you needed this class. I was going to actually skip it initially. जी बताइए, ये तो उधर मॉन्टर ना हो जाओ, पेस लेना ना वहीं कराओ। जी कौन बताएगा? फाइंडिंग नंबर वन बेस रिदम है, गुड। सेकंड पॉइंट सिंगल चैम्बर, थर्ड पॉइंट सिंगल चैम्बर कहाँ पर है ये तो बताओ, वेंट्रिकुलर। ओके अगला पॉइंट ओके पेसिंग अप्रोप्रिएट, आगे चलें। इंटरमिटेंट लॉस ऑफ कैप्चर है, ओके आगे चलें। फ्यूजन बीट्स, वेरी गुड, बिल्कुल है। और सर देयर इज इनअप्रोप्रिएट सेंसिंग, इनअप्रोप्रिएट पेसिंग बिकॉज़ द पेसमेकर इज जस्ट पेसिंग। देखो बेसिक तो आपने बता दिया कि बेसिक बड़ी गलत हो रही है, स्पाइक जो है वो अपने टाइम पे आ रही है, वो तो लॉस नहीं हुआ वहाँ पे, तो बेसिक तो बेहतरीन है। सेंसिंग फेलियर है, इंटरमिटेंट सेंसिंग फेलियर है, तो सेंसिंग फेलियर कोई वर्ड नहीं है ना, या तो मतलब तो उसको ही ओवर अच्छा सॉरी सेंसिंग का मतलब क्या होता है? इंटरमिटेंट अंडर सेंसिंग। हां ऐसा काम करो ना कि इसको हटा दो, सोची है ही आप देखो और कितने को समझ ही नहीं आया और मेरा प्रॉब्लम ये कि मैं आगे चलता है किसी तक समझना है, सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। देखें लेट मी जस्ट गो थ्रू इट शॉर्टली। व्हेनेवर द पेसमेकर इज गेटिंग दिस फीलिंग के नेटिव क्यूआरएस नहीं आ रहा, पेसमेकर ने स्पाइक देनी ही देनी।
अब ये जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि QRS नहीं आ रहा, इसके ऊपर सारी गेम चलती है। फर्स्ट किया है नेटिव रिदम अपना चल रहा है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न पेसमेकर को पता ही नहीं चल रहा कि आगे तो QRS बन रहा है। हालांकि QRS एक्चुअली बन रहा है, लेकिन पेसमेकर को नजर नहीं आ रहा। और मैं एग्जाम्पल दी थी दीवार वाली कि दीवार इतनी ऊँची हो गई, तो वो क्या करेगा, वो फॉरन पेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस स्ट्रीम में जाए। ठीक है, सो यू आर द पर्सन हु इज रीडिंग द ECG, यू आर द थर्ड पर्सन एंड यू नो कि ये तो QRS नेटिव है ना, बड़े जबरदस्त बन रहे हैं, जरूरत ही नहीं पेसिंग स्पाइक की। और ये पेसिंग स्पाइक भी 60 के रेट पे आए जा रही आए जा रही, तो इसका मतलब है पेस मेकर ने सेंस ही नहीं किया कि QRS आ रहा है, आपको जरूरत ही नहीं है पेस करने। इसको आप क्या कहोगे, तो ECG पे आपको क्या मिलेगा देखने को, अंडर सेंसिंग लीड्स टू ओवर पेसिंग। वहाँ वहाँ पेस हो रहा है जहाँ पे जरूरत ही नहीं है, मतलब QRS बना हुआ है उसके ऊपर ठक करके पेसिंग स्पाइक आएंगे, जरूरत ही नहीं। ओके, फ्यूजन स्पीड मींस के फ्यूजन बीट को डालते हैं कि प्रॉपर कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा उस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आइडियली तो फ्यूजन बीट आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो जस्ट यू कैन टेक द हिंट फ्रॉम दिस थिंग कि यार ये फ्यूजन आई क्यों आकर, ऐसा क्या होगा। बट अगर फ्यूजन बीट आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसकी सेंसिंग की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दें। सो लेट्स गो थ्रू दिस ECG। तो ये आपके पास पेसिंग स्पाइक आ रही है, पेसिंग स्पाइक आ रही है और आए जा रही है, अपने टाइम पर आए जा रही है, चाहे जरूरत है या नहीं है। ओके, अच्छा स्पाइक थी और कैप्चर नहीं हुआ, आगे पी आया अपना नेटिव और QRS कंडक्ट हो गया नेटिव। ओके, फिर इसने स्पाइक थी कैप्चर नहीं हुआ। ओके, स्पाइक थी कैप्चर हो गया। यहाँ पे स्पाइक की जरूरत थी एंड पी वेव के ऊपर नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। अगेन यहाँ जरूरत थी नहीं थी। यहाँ पे उसने दिया, यहाँ कैप्चर हो गया। ठीक है, सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन व्हिच इज नॉट परमानेंट बट इंटरमिटेंट, दिस इज फेयर। अब वो जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे स्पाइक आ रही है जहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं, इसका मतलब उसने फील ही नहीं किया कि यहाँ पी वेव पड़ी हुई है, मैं वेट कर लूँ कि QRS आ जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर मैं पेसिंग स्पाइक दे दूंगा। देखो अपनी पी एफ स्पाइक, सॉरी यस यू आर आई थिंकिंग ऑफ डुअल चैम्बर एक्चुअली, तो सिंगल चैम्बर है, तो सिंगल चैम्बर ने अपना जो साइकिल है उसके मुताबिक चलना है और उसने वेट करना है कि QRS अगर नहीं आता तो मैं इसके अंदर पेस करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वेट के बगैर पेस किए जा रहा है, इट मीन्स वो सेंस नहीं कर रहा आम जुबान में, और टेक्निकल लैंग्वेज में आपको क्या कहोगे, अंडर सेंसिंग लीड्स टू और पेसिंग, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है, अंडर सेंसर। ओके, सो इफ देयर इज अंडर सेंसिंग, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अंडर सेंसिंग एंड हाउ विल यू करेक्ट। इनएजुकेट कार्डियक सिग्नल हो सकते हैं, ठीक है, इतना कार्डियक सिग्नल इतना अच्छा नहीं है कि पेसमेकर उसको पिक कर सकता, जिसका लीड हो गई है इंसर्शन रेट को, ठीक हो गया। और वो दीवार वाली बात मैंने आपको बताई थी, अगर वो अंडर सेंस कर रहा है यानी कि उसको नजर ही नहीं आ रहा और दीवार इतनी ऊंची है, तो आप क्या करोगे, दीवार को थोड़ा कम कर दो, दूसरे पास में TVM के ऊपर जो उसकी नॉब के नंबर्स होते हैं उसको आप कम कर दोगे और वो ठीक कर जाएगा। प्रोग्राम दी सेंसिटिविटी टू अ लोअर नंबर। जी,